गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से असम्बली इजलास बुलाने के लिए मुनासिब के खिलाफ सूबाई हुकूमत डट गई। स्पीकर सेक्रेटेरिएट ने इजलास न बुलाने के लिए महकमा कानून को खत लिखने का फैसला किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ काशिफुद्दीन से। काशिफुद्दीन, बताए गए इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो गुज़श्ता रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तलब कर लिया है, इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट को उनकी जानिब से बाकायदा मरासला भेजा गया है, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से इस इजलास को न बुलाने के हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई है। और हमारे ज़राए का कहना है कि रात गए तक से जारी इजलास में ये फैसला किया गया है कि हुकूमत डट जाएगी और इजलास नहीं बुलाया जाएगा, ताकि जो मखसूस नशस्तों पर खवातीन और अकलियती मेंबरान मुंतखब हो चुके हैं उनको हल्फ उठाने से रोका जा सके और सेनेट इलेक्शन में उनका जो मौसर किरदार है वो सामने न आ सके। इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती को बाजाबता तौर पर आगाह कर दिया है, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रात गए तक इजलास में ये फैसला किया गया है ये इजलास नहीं बुलाया जाएगा और फौरी तौर पर इस हवाले से महकमे कानून को मुरासला लेकर। ठीक है, काशिफ बहुत शुक्रिया।